नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। सारण में आज शाम तक प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। सारण का ताज किसके सर सजेगा, यह फैसला 4 जून को होगा। इस बीच रोहिणी यादव ने राजीव प्रताप रूडी के बारे में खुलकर बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते हुए रोहिणी ने कहा कि राजीव प्रताप रूडी मेरे चाचा हैं और मैं उनका आशीर्वाद मांग रही हूं। मुझे यकीन है कि उन्हें मुझ पर गर्व होगा और वह मुझे आशीर्वाद देंगे, खासकर आज। इसके अलावा आचार्य ने तेजस्वी यादव के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन 300 से अधिक सीटें जीतेगा। उन्होंने कहा कि जनता के आक्रोश को देखने के बाद मैं तेजस्वी के बयान से सहमत हूं। हमारी जनता सरकार बदलना चाहती है क्योंकि वे विभिन्न मुद्दों से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि आज बदलाव का दिन है, मुझे विश्वास है कि देश, राज्य और सारण की जनता बदलाव करेगी। इसके बाद भाजपा के 400 सीट वाले दावे पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो वे बड़े पैमाने पर प्रचार क्यों कर रहे हैं, रैलियां और रोड शो क्यों कर रहे हैं। रोहिणी ने कहा कि वे डरे हुए हैं और सक्रिय प्रचार उनके डर को दर्शाता है। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और उम्मीदवार तक सभी डरे सहमे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले सारण के सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक संदेश भेजा था। संदेश के माध्यम से उन्होंने लालू यादव से कहा कि 40 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार आपने लगभग एक महीना छपरा में बिताया है। उन्होंने आगे कहा कि कृपया आप छपरा में एक घर बना लें, आप यहाँ बहुत लंबे समय से हैं, कृपया आप छपरा में रहें, लोग आपको देखना पसंद करते हैं, इसलिए कृपया एक घर बनाएं, छपरा में ही रहें, निश्चित रूप से लोग आपको प्यार करेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।